बेसन के लड्डू और पेड़े तो हम अक्सर बनाते हैं, पर आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेसन, गुड़ और मेवे से बनने वाली बहुत ही टेस्टी बर्फी, जो कि काफ़ी कम घी में बन जाती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे अच्छी बात है कि हमने इसमें कोई भी चाशनी नहीं बनाई है, तो इसका बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और इसको कभी भी आप फटाफट बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन। गैस की फ्लेम को मैंने धीमे पे रखा हुआ है और हम बेसन को पहले थोड़ी देर तक भून लेंगे, जिससे कि इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाएगा। तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब हम इसमें घी डालेंगे तो घी की क्वांटिटी हमें कम डालनी पड़ेगी। अगर आप पहले से घी में बेसन डालते हैं तो घी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो बस इसको हम धीमी आंच पे चलाते रहेंगे और बेसन में हल्का सा कलर आने तक भून लेंगे। बेसन को ऑलमोस्ट मैंने 5 मिनट तक भून लिया है। आप देखें, इसमें थोड़ा सा रवीलापन आ गया है, हल्का सा फूल गया है और कलर भी बदल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप घी। तो देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। गैस की फ्लेम को हम अभी भी धीमे पे रखेंगे और बेसन और घी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक और भूनेंगे। बेसन को मैंने धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए भून लिया था और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सूजी या रवा। इससे हमारी बर्फी बहुत ही दानेदार बनेगी और इसको डाल के अब हम बहुत अच्छे से बेसन को फिर से भूनेंगे। तो ये देखिए, हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका कलर पूरी तरह बदल चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें, अच्छी फ्लोई कंसिस्टेंसी हो गई है, बिल्कुल इसी तरह का चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। तो ये ऑप्शनल है, पर अगर मिल्क पाउडर डालते हैं तो ये बर्फ़ी खाने में और भी टेस्टी लगती है। इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मिल्क पाउडर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमे पे रखना है। हम इसमें डाल रहे हैं करीब 1/2 कप गुड़। तो गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया था, ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। तो यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर डाला है, इसलिए मैं 1/2 कप गुड़ डाल रही हूँ। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे तो गुड़ की क्वांटिटी बस थोड़ी सी बढ़ा दें। इसको हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो ऐसे दबा दबा के आपको इसको मिलाना होगा, जिससे गुड़ जो है वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो सके। और बस अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ़ कर देंगे। हमें गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो जो बर्फ़ी है वो हार्ड हो जाएगी। तो हमारा बेसन का मिक्सचर अभी बहुत गर्म है, गुड़ इसमें धीरे धीरे करके अपने आप ही पिघल जाएगा। तो बस इसको फटाफट हम इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए, गुड़ भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से नट्स डाल देंगे। तो मैं थोड़े से पिस्ते डाल रही हूँ इसमें और यहाँ मेरे पास है थोड़े से काजू और बादाम का मिक्सचर। इन सभी को मिक्स कर देंगे और आइए फटाफट बर्फ़ी को जमा लेते हैं। बर्फ़ी जमाने के लिए आज मैंने यहाँ पर एक एल्युमिनियम का ट्रे लिया है। इसको हम बहुत अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे, अदरवाइज़ जो बर्फ़ी है वो जमने के बाद बाहर नहीं निकलेगी। तो बहुत ज़रूरी है आप इसके कॉर्नर्स और पूरी ट्रे को अच्छे से घी से ग्रीस करें। तो ये देखें, ट्रे को मैंने बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब हम ये जो बर्फ़ी का मटेरियल है हम इस ट्रे पे डाल देंगे और इस तरह से स्पैचुला से आप अच्छे से दबा दें। ये देखिए, और इसको स्मूथ कर दें। ये देखिए, बर्फ़ी को मैंने अच्छे से जमा दिया है और इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है इस तरह से। और अब हम इस पे डालेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम, इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ते। इसको हल्का सा दबा देंगे जिससे कि जो नट्स हैं वो इस पे चिपक जाए अच्छे से। और अब हम इसे ठंडा होने छोड़ेंगे। तो पहले मैं इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी और फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। बर्फ़ी को जमाए हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए हल्की सी सेट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पर इसमें इस तरह से कट लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये आसानी से कट जाएगी, क्योंकि अगर एक बार ये बहुत हार्ड जम जाएगी तो फिर इसको काटने में बहुत मुश्किल होगी। तो आप जो भी साइज़ की बर्फ़ी काटना चाहें आप उस हिसाब से इसमें कट लगा लें। तो ये देखिए, मैंने इसमें कट लगा लिए हैं और बस हम इसको 1/2 घंटे छोड़ेंगे तो ये बर्फ़ी पूरी तरह से जम जाएगी। बर्फ़ी को रखे हुए मुझे 1/2 घंटा हो चुका है। आप देखें कितने अच्छे से जम गई है ये और देखने में कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, लग रही है ना कितनी बढ़िया। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, हमने इसमें कोई भी चाशनी नहीं बनाई है। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर आपने आज से पहले बेसन की बर्फ़ी नहीं ट्राई की है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, एंड आई एम श्योर ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।